विधानसभा चुनाव को लेकर कई प्रकार के अहम मुद्दे लेकर रहे हैं और बसना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय बजरंग दल की भी अहम भूमिका रहती है। आज हमारे साथ है राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र साव जी, जिन्होंने पिछली बार अपने निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए संपत अग्रवाल का समर्थन किया था। आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी महेंद्र साव जी? आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कि पिछले विधानसभाओं में मैंने संपत अग्रवाल जी का समर्थन किया था और किन मान बिंदुओं को देखते हुए मैंने समर्थन किया, शायद उसके बारे में आप पहले ऐसे पत्रकार हैं जो इन्होंने मेरी मन की व्यथा को मीडिया के माध्यम से इस बसना विधानसभा के 223,000 वोटरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा जो समर्थन था वो तीन बिंदुओं पर था। पहला बिंदु था हिंदुत्व, कि संपत अग्रवाल जी ने कहा था कि 1992 कार सेवा बाबरी ढांचा विध्वंस के समय में मैंने 250 लोगों को कार सेवक ले लेके गया और मैं एक सच्चा हिंदू हूँ और एक हिंदू होकर हिंदू का विरोध, मेरा संगठन नहीं कहता कि एक हिंदू होकर हिंदू का विरोध करना, इसीलिए मैंने उनको समर्थन दिया था। दूसरा उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, वो विषय आप पुरानी वीडियो निकाल कर देख सकते हैं, पुरानी वीडियो में भी मेरा यही समर्थन था, मेरा ये बयान था कि किसानों के मुद्दों को लेकर। और तीसरा जो बहुमूल्य जो मुद्दा है वो है बसना का विकास। आज तक एक प्रत्याशी छोड़कर कोई भी बसना विधानसभा का वोटर बसना विधानसभा से विधायक नहीं बना था। इन तीन बिंदुओं को लेकर उन्होंने मेरे साथ मांगा था, साथ मांगने के बाद मैंने उनको समर्थन दिया था निःशर्त, और जिसके एवज में उनको 50,000 के आसपास वोट मिला था, उस पर राष्ट्रीय बजरंग दल की कम से कम 10,000 कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम थी। महेश साहब जी, विधानसभा क्षेत्र के लिए 400 बिस्तर हॉस्पिटल कितना कुछ चुनाव में प्रभावित करेगा? ये 400 बिस्तर हॉस्पिटल किनके द्वारा या किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी एक प्रश्नवाचक शब्द है। क्या हुआ नीलांचल सेवा समिति बना रही है, क्या हुआ अन्य किसी संस्था ने बनाया है? क्योंकि नीलांचल सेवा समिति के जो संस्थापक है संपत अग्रवाल जी के द्वारा घोषणा किया गया था चुनाव से पूर्व, आज हुआ घोषणा को लगभग 6 माह हो चुके हैं और 6 माह में ना भूमि पूजन हुआ है ना ही किसी 400 बिस्तर, तो छोड़िए 200 बिस्तर हॉस्पिटल के लिए भी जमीन की भूमि पूजन नहीं हुआ है। तो आप ये हवा हवाई बातों को हवा में ही रहने दीजिए, ये जनता तक जाएगी तो जनता के सम्मान मान सम्मान से खिलवाड़ होगा। क्या निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी समीकरण को बदल सकते हैं? वो तो आप पिछले समय भी देख सके हैं, पिछले समय निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी का लगभग जमानत जब्त किया था और इस समय भी आगामी समय में राष्ट्रीय बजरंग दल 224 गांव में अपनी समिति बना चुकी है और इस पर लगातार गांव में समितियां बनाने का जो लक्ष्य है वो हम 30 अक्टूबर तक पूर्ण कर लेंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि बसना विधानसभा में किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर वोटों को साधने का जो कार्य करती है राजनीतिक दल, हम दोनों राजनीतिक दलों के इस तरह के प्रलोभन को खारिज करते हुए हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में रहेंगे। इस बार सुई से लेकर हाथी तक किसी भी प्रकार का प्रलोभन वाला सामान नहीं बढ़ सकता बसना विधानसभा में, ये बात तय कर लीजिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग कहती है लेकिन कार्रवाई नहीं करती। लेकिन इस बार राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता 325 गांव में खड़े होकर उस गांव के विकास के लिए मतदान करने वाले हैं। कांग्रेस के पूरे कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ विकास हुआ क्षेत्र में? क्षेत्र के दृष्टि से देखें, मैं एक स्थानीय वोटर के हिसाब से बताता हूं कि बसना विधानसभा मेरा निजी निवास क्षेत्र है तो यहां पर कुछ विकास हुए हैं, परंतु पूरे प्रदेश की अगर बात किया जाए तो मिला जुला है। 15 साल रमन सिंह जी का और 5 साल भूपेश बघेल जी का, ये दोनों जनता परेशान है, दोनों में जनता खुश नहीं है, परंतु बसना विधानसभा में कुछ मांगे पूरी हुई हैं और जिन मांगों को लेकर बसना बहुत दुखी था, परंतु कुछ मांगे बची हुई हैं। अनुविभाग बना है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। एक हमारी जो मांग है कि बसना में बसना सरायपाली जिला बनाओ, जिसपे अंतर्राज्यीय बस अड्डा सरायपाली को मिला है, तो हम चाहते हैं कि बसना को कुछ ऐसा चीज मिले जिससे बसना की पहचान पूरे छत्तीसगढ़ में हो। विधानसभा चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस कौन किस पर भारी पड़ सकता है? वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो 15 साल के जो एंटी इनकमेंसी थी जिसके कारण भाजपा 14 से 15 सीटों पर समेट गई थी, अब वह एंटी इनकमेंसी कितना दूर तक
रहती है ये देखना है, परंतु अब लगता है कि कम से कम 15 साल राज करने वाली भाजपा को 15 साल का वनवास भोगने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण, गौ तस्करी और चंगई सभाएं खुली हैं। तो मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि मैं एक हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, एक हिंदू संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मैं हिंदू समाज के हित की बात करूंगा और मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति चुनाव जीते जिनको हिंदुत्व के कार्यों में अवरोध करने का मौका ना मिले। बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? क्या हिंदुत्व का मुद्दा छत्तीसगढ़ में काम आएगा? हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जब चुनाव लड़ी थी 15 साल राज मिला था, लेकिन उसके एवज में हिंदू समाज को मिला क्या? उसके एवज में 2500 चंगाई सभा खुल गई पूरे छत्तीसगढ़ में। कोरिया आज मिशनरियों का गढ़ बन चुका है। सरगुजा संभाग लगभग पूरा, कुनकुरी, पत्तलगांव, जसपुर साइड, तो ये सब कारण किसका है? प्रशासन ने ही वहां पर दबाव पूर्वक धर्मांतरण कराया, ये मेरा उनको आरोप है कि अगर कि जिस सरकार की शासन में धर्मांतरण हुआ है तो वह सरकार जिम्मेदार है, ना कि हिंदू समाज। हिंदू समाज भोले भाले हैं और वो बहुत जल्दी प्रलोभन के चक्कर में या डर के भय से या शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लालच से अपना धर्मांतरण करती है। वहां पर सरकार को विशेष ध्यान देना था, सरकार इस पर विफल रही थी, पिछली सरकार। बसना की राजनीति में देखा गया है कि हमेशा राष्ट्रीय बजरंग दल की अगवानी हमेशा रहती है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी की तरफ से कोई प्रत्याशी आ सकते हैं? राष्ट्रीय बजरंग दल चुनाव नहीं लड़ेगा और राष्ट्रीय बजरंग दल चुनाव से कोसों दूर है। हम हिंदू हितों की रक्षा करने वाले हैं, वीर हिंदू विजेता हिंदू की बात करते हैं, हिंदू समृद्धि की बात करते हैं। परंतु अगर यहाँ पर देखा जाए तो बसना और सरायपाली दोनों विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग लगभग 15,000 के आसपास है और वह 15,000 वोट इस चुनावी महासमर में किसी को भी हराने के लिए काफी है। एक आखिरी सवाल है, 5 साल तक नगर पंचायत अध्यक्ष संपदा अग्रवाल थे, वर्तमान समय में उन्हीं के एक कार्यकर्ता है गजेंद्र सावा जी, 10 साल की उनकी भूमिका है, तो क्या कुछ लगता है बसना नगर की, क्या कितनी विकास हुई है और किन मुद्दों को लेकर वो विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं? अब बसना नगर पंचायत अध्यक्ष की बात है तो आप भी बसना नगर से हैं और आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। विकास बसना नगर का होता तो बसना विधानसभा के 2,23,000 वोटरों को यहाँ पर दिखाने लाया जाता विकास करने वाले की तरफ से कि ये विकास हमने बसना शहर का किया। अब उसे मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, अगर विकास होता तो आपको घर घर जाने की आवश्यकता ना पड़ती, घर घर के लोग आपके पास आते कि आप विकास पुरुष हो। और रही बात वर्तमान में भी उनकी सरकार है, उनके अध्यक्ष हैं गजेंद्र साहू जी, वर्तमान की भी स्थिति वही है। तो ये 10 साल जो था नगर पंचायत बसना का, वो कार्यकाल ऐसा था कि सत्ता पक्ष को ठेकेदारी मिली और विपक्ष उस पर माल खाया। सीधी सीधी बात है, आप अभी भी आरटीआई लगाकर निकाल सकते हैं कि बसना नगर पंचायत अंतर्गत 90% ठेकेदारी का कार्य सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि एक व्यक्ति को कैसे वह ठेकेदारी मिल रही है, कि कैसे एक व्यक्ति पूरे नगर पंचायत का कार्य कर रहा है। इस पर ना मीडिया कुछ बोलती है, ना पक्ष और विपक्ष को मतलब है। ये थे महेंद्र साहू जी, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने यहाँ की राजनीति की भली भांति संस्करण कर चुके हैं और आगामी दिनों में देखा जाता है कि अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी उतरते हैं मैदान में तो कितना कार्यकाल साबित होंगे और कितना प्रभावशील रहेंगे और कांग्रेस और बीजेपी पर क्या उन पर प्रभाव डाला जा सकता है। मनहरन सुनवानी, पटना।